मैम सबसे पहले तो ये बताइए, आपके हस्बैंड कुणाल केमू ने डायरेक्ट किया ये फिल्म मडगांव एक्सप्रेस, क्या लग रहा है, कैसी फीलिंग है आपके लिए? मैं तो बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ. नॉट ओनली एज ही डायरेक्टेड इट, उन्होंने कहानी लिखी भी है. सो ही इज रिटन एंड डायरेक्टेड इट एंड आई थिंक ही इज इनक्रेडिबली टैलेंटेड. ही इज ऑल्सो कम्पोज एंड रिटन अ सॉन्ग, रिटन द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग. ही इज डन, यू नो, इट्स जस्ट आई थिंक हिज टैलेंट्स आर immense. He's worked very, very hard on this film, you know, for the past year and more. And I'm just very happy that now we can share it with the world. And fingers crossed, I hope it does really well. किस तरीके से कुणाल ने ये फिल्म को के कास्ट को लिखा है, कितने खूबसूरती से लिखा है, जहाँ पर थिएटर्स में ठहाके लगे जा रहे, कंटिन्यूस एक ऐसे सीन पे आ रहे, कंटिन्यू थिएटर. सबसे पहले आप बताइए, आपने पहली बार फिल्म देखी, आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आ रही है, हम तो रेटिंग देंगे ही. आप बताइए. आप मेरी रेटिंग पूछ रहे हैं तो मैं तो 5/5 दूंगी, 5 stars. कास्ट बेहतरीन है. जिस तरीके से देवेंदु, प्रतीक, अविनाश एक दूसरे, यू नो, दे प्ले विथ ईच अदर्स कैरेक्टर्स. एक फुल ऑनसेंबल कास्ट फिल्म है, जहाँ पे उपेंद्र लेमाय, छाया कदम, नौरा फतेही, इतने सारे रेमो, यू नो, सच फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेज एंड द वे द कैरेक्टर्स हैव बीन रिटन, सुपर BGM. हर कैरेक्टर के लिए अलग BGM है, अलग थीम है. सो आई थिंक इट्स फुल आउट एंड आउट कॉमेडी, एक क्लीन फुल फैमिली कॉमेडी जो हर कोई एंजॉय कर सकता है. कॉमेडी गैंग के लिए क्या कहना चाहेंगी, जिसके वजह से पूरा फिल्म में 4 चांद लग गए? नारी शक्ति, बिल्कुल. हम एक्शन सीन्स बहुत देख चुके हैं, जहाँ पे बहुत सारे मर्द बंदूकों के साथ, बॉम्ब्स के साथ, हाथों के साथ एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं. और पहली बार मैंने ऐसा एक देखा है, जहाँ पे एक गैंग है, जो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, हेडेड बाय छाया कदम, कंचन कोमड़ी, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन सीक्वेंस. मैम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मुंबई में हम हैं तो मुंबई, महाराष्ट्र के लिए जो लैंग्वेज है हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया और लोगों तक पहुँचाया भी है वो लैंग्वेज? मुझे इस फिल्म में बहुत अच्छा लगा कि नॉट ओनली मराठी, देयर इज गुजराती, क्योंकि प्रतीक का कैरेक्टर गुजरात से है, यू नो, देयर इज कोंकणी. सो देयर सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, एक पूरा फ्लेवर आता है इंडिया का. और ऑलरेडी इस फिल्म को यूपी में लोग ट्रेलर बहुत अप्रिशिएट कर चुके हैं, मुंबई में भी प्रमोशंस में गुजरात गए थे कल. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू.